तो सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पे प्रिंट होगा बिफोर सॉर्टिंग अरे एलिमेंट्स आर। इसके बाद प्रिंट फंक्शन कॉल होगा, तो जैसे ही प्रिंट फंक्शन कॉल होगा प्रोग्राम का कंट्रोल प्रिंट फंक्शन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर लूप रन होगा और आई वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0 से, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 5 क्योंकि एन वेरिएबल की वैल्यू 5 है। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब आई की वैल्यू 0 है और अरे के इंडेक्स 0 पे 9 स्टोर है, तो स्क्रीन पे 9 प्रिंट होगा। इसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज़ किया तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। देन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो पहले आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू 1 है। अगेन कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। अब आई की वैल्यू 1 है और अरे के इंडेक्स 1 पे 4 स्टोर है, तो स्क्रीन पे 4 प्रिंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू 2 है। कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल अगेन फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब आई की वैल्यू 2 है और अरे के इंडेक्स 2 पे 7 स्टोर है, तो स्क्रीन पे 7 प्रिंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब आई की वैल्यू 3 है और अरे के इंडेक्स 3 पे 1 स्टोर है, तो स्क्रीन पे 1 प्रिंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब आई की वैल्यू 4 है और अरे के इंडेक्स 4 पे 5 स्टोर है, तो स्क्रीन पे 5 प्रिंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 5। अब कंडीशन फॉल्स है क्योंकि आई वेरिएबल की वैल्यू 5 है। कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया और अरे के एलिमेंट स्क्रीन पे प्रिंट हो गए हैं। प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल अगेन मेन फंक्शन में आ जाएगा। अब नेक्स्ट मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा, तो जैसे ही मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा प्रोग्राम का कंट्रोल मर्ज सॉर्ट फंक्शन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मर्ज सॉर्ट फंक्शन में हमने दो पैरामीटर्स यूज किए हुए हैं, लेफ्ट एंड राइट, और मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने इन पैरामीटर्स की वैल्यू पास की है 0 एंड n माइनस 1। तो 0 असाइन होगा लेफ्ट वेरिएबल को और n माइनस 1 असाइन होगा राइट वेरिएबल को, और n माइनस 1 इज 4। इट मीन्स कि लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू 0 है और राइट वेरिएबल की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है तो मिड पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, इट मीन्स कि मिड वेरिएबल की वैल्यू 2 है। इसके बाद अगेन मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा और लेफ्ट एंड मिड वेरिएबल की वैल्यू पास होगी। अब यहाँ पे हमने मर्ज सॉर्ट फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल की है, तो जैसे ही हम यहाँ पे मर्ज सॉर्ट फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो प्रोग्राम का कंट्रोल अगेन इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन पे आ जाएगा। अब इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने लेफ्ट एंड मिड वेरिएबल की वैल्यू पास की है, तो ये लेफ्ट एंड मिड वैल्यू साइन होगी लेफ्ट एंड राइट वेरिएबल को। तो लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू तो सेम ही है, दैट इज 0, लेकिन अब राइट वेरिएबल की वैल्यू 2 है। इसके बाद कंडीशन चेक होगी इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है तो मिड पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, इट मींस कि अब मिड वेरिएबल की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे अगेन हम मर्ज सॉर्ट फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं और लेफ्ट एंड मिड वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन अगेन रिकर्सिवली कॉल होगा और लेफ्ट एंड मिड वेरिएबल की वैल्यू असाइन होगी लेफ्ट एंड राइट वेरिएबल को। लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू तो सेम ही है, दैट इज 0, लेकिन अब राइट वेरिएबल की वैल्यू 1 है। कंडीशन चेक होगी लेफ्ट इज लेस देन राइट, 0 इज लेस देन 1, कंडीशन ट्रू है तो मिड पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.5, लेकिन डेसिमल वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, तो इट मीन्स कि अब मिड वेरिएबल की वैल्यू है 0। अब अगेन यहाँ पे हम मर्ज सॉर्ट फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, लेफ्ट एंड मिड वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन अगेन रिकर्सिवली कॉल होगा, लेफ्ट एंड मिड वेरिएबल की वैल्यू असाइन होगी लेफ्ट एंड राइट वेरिएबल को। लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू तो 0 ही है, लेकिन अब राइट वेरिएबल की वैल्यू भी 0 है। कंडीशन चेक होगी 0 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो मर्ज सॉर्ट फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ जाएगा जहां से इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया गया था। तो आप देखें कि यहां से हमने इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया था और लेफ्ट एंड मिड वेरिएबल की वैल्यू 0 0 पास की थी, तो ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन रिकर्सिवली एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी और प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ गया। इसके बाद अगेन मर्ज सॉर्ट फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा और अब मिड प्लस 1 एंड राइट वेरिएबल की वैल्यू पास होगी, तो ये मिड प्लस 1 एंड राइट वेरिएबल की वैल्यू असाइन होगी लेफ्ट एंड राइट वेरिएबल को। तो मिड वेरिएबल की वैल्यू 0 है एंड 0 प्लस 1 इज 1, इट मीन्स कि लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू 1 है और राइट वेरिएबल की वैल्यू भी 1 है। कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ जाएगा जहां से स्मार्ट सॉर्ट फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया गया था। तो आप देखें कि यहां पे हमने स्मार्ट सॉर्ट फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया था और मिड प्लस 1 एंड राइट वेरिएबल की वैल्यू पास की थी, लेकिन ये फंक्शन रिकर्सिवली एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी और प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ गया है।
इसके बाद मर्ज फंक्शन कॉल होगा, लेफ्ट मिड एंड राइट वेरिएबल की वैल्यू पास होगी। लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू है 0, मिड वेरिएबल की वैल्यू भी 0 है और राइट वेरिएबल की वैल्यू 1 है। तो जैसे ही मर्ज फंक्शन को कॉल करेंगे प्रोग्राम का कंट्रोल मर्ज फंक्शन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 3 पैरामीटर्स को यूज किया हुआ है, पी क्यू एंड आर। तो लेफ्ट मिड एंड राइट वेरिएबल की वैल्यू असाइन होगी पी क्यू एंड आर वेरिएबल को। इट मीन्स कि पी वेरिएबल की वैल्यू 0 है, क्यू वेरिएबल की वैल्यू भी 0 है और आर वेरिएबल की वैल्यू 1 है। इसके बाद एन वन वेरिएबल को वैल्यू असाइन होगी क्यू माइनस पी प्लस 1। तो 0 माइनस 0 इज 0 एंड 0 प्लस 1 इज 1। इट मीन्स कि एन वन वेरिएबल की वैल्यू 1 है। इसके बाद एन टू वेरिएबल को वैल्यू असाइन होगी आर माइनस क्यू। तो 1 माइनस 0 इज 1। इट मीन्स कि एन टू वेरिएबल की वैल्यू भी 1 है। इसके बाद दो अरेज डिक्लेयर होंगी, अरे 1 एंड अरे 2। अरे 1 एंड अरे 2 का साइज स्टोर है एन वन एंड एन टू वेरिएबल में। इट मीन्स कि अरे 1 का साइज है 1 एंड अरे 2 का साइज भी 1 है। इसके बाद अरे 1 में वैल्यूज एंटर करने के लिए फॉर लूप रन होगा। तो आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0 से, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन एन 1। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब पी वेरिएबल की वैल्यू 0 है और आई वेरिएबल की वैल्यू भी 0 है। तो 0 प्लस 0 इज 0। इट मीन्स कि अरे के इंडेक्स 0 की वैल्यू स्टोर होगी अरे 1 के इंडेक्स 0 पे। इसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन एन 1। कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। अब अरे 2 में वैल्यूज एंटर करने के लिए सेकंड फॉर लूप रन होगा। जे वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 0 से, कंडीशन चेक होगी जे इज लेस देन एन 2। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब क्यू की वैल्यू भी 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है। तो 0 प्लस 1 इज 1 एंड 1 प्लस 0 इज 1। इट मीन्स कि अरे के इंडेक्स 1 की वैल्यू स्टोर होगी अरे 2 के इंडेक्स 0 पे। इसके बाद जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी जे इज लेस देन 1। कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। इसके बाद आई वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0 से, जे वेरिएबल की वैल्यू भी इनिशियलाइज होगी 0 से और के वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज होगी पी से। अब पी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स के वेरिएबल की वैल्यू भी 0 है। नेक्स्ट व्हाइल लूप रन होगा। कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन एन 1 एंड जे इज लेस देन एन 2। अब एन 1 एंड एन 2 वेरिएबल की वैल्यू 1 है एंड आई एंड जे वेरिएबल की वैल्यू 0 है। तो आई इज लेस देन एन 1 ये कंडीशन भी ट्रू है एंड जे इज लेस देन एन 2 ये कंडीशन भी ट्रू है। दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो प्रोग्राम का कंट्रोल व्हाइल लूप की बॉडी में एंटर होगा। इसके बाद कंडीशन चेक होगी कि क्या अरे 1 के इंडेक्स आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है अरे 2 के इंडेक्स जे की वैल्यू से। तो अरे 1 के इंडेक्स आई की वैल्यू है 9 और अरे 2 के इंडेक्स जे की वैल्यू है 4। 9 इज लेस देन और इक्वल टू 4। कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई तो नेक्स्ट एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अरे के इंडेक्स के पे स्टोर करवा देंगे अरे 2 के इंडेक्स जे की वैल्यू को। इसके बाद जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी और else स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो k की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इसके बाद अगेन while लूप रन होगा और कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n 1। अभी i की वैल्यू 0 है और 0 इज लेस देन n 1। कंडीशन ट्रू है। इसके बाद सेकंड कंडीशन चेक होगी j इज लेस देन n 2। j की वैल्यू 1 है एंड 1 इज लेस देन n 2। कंडीशन फॉल्स है तो ये while लूप रन नहीं होगा। ये while लूप तभी रन होगा जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। इसके बाद हमने यहाँ पे अगेन एक while लूप का यूज किया है तो कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n 1। i की वैल्यू 0 है तो 0 इज लेस देन n 1। कंडीशन ट्रू है तो ये while लूप रन होगा और अरे 1 के इंडेक्स i की वैल्यू स्टोर होगी अरे के इंडेक्स k पे। इसके बाद i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगेन ये while लूप रन होगा। कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n 1। अब i की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन n 1। कंडीशन फॉल्स है तो ये while लूप रन नहीं होगा। इसके बाद हमने एक और while लूप का यूज किया है तो कंडीशन चेक होगी j इज लेस देन n 2। j की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन n 2। कंडीशन फॉल्स है तो ये while लूप रन नहीं होगा। तो ये मर्ज फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है और मर्ज फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ जाएगा जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो हमने यहां से इस मर्ज फंक्शन को कॉल किया था। अब आप देखें कि ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो गया है। तो मर्ज सॉर्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ जाएगा जहां से इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया गया था। इसके बाद अगेन मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा और मिड प्लस 1 एंड राइट वेरिएबल की वैल्यू पास होगी। अब मिड वेरिएबल की वैल्यू 1 थी एंड 1 प्लस 1 इज 2। इट मीन्स कि अब लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू 2 है और राइट वेरिएबल की वैल्यू 2 थी। इट मीन्स कि आर वेरिएबल की वैल्यू भी 2 है। कंडीशन चेक होगी लेफ्ट इज लेस देन राइट, 2 इज लेस देन 2। कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ जाएगा जहां से मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया गया था। इसके बाद मर्ज फंक्शन कॉल होगा और लेफ्ट मिड एंड राइट वेरिएबल की वैल्यू पास होगी। तो लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू है 0, मिड वेरिएबल की वैल्यू है 1 एंड राइट वेरिएबल की वैल्यू है 2। तो जैसे ही मर्ज फंक्शन कॉल होगा प्रोग्राम का कंट्रोल मर्ज फंक्शन पे आ जाएगा।
0 असाइन होगा p को, 1 असाइन होगा q को और 2 असाइन होगा r वेरिएबल को। इसके बाद ये मर्ज फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और n1 वेरिएबल इनिशियलाइज होगा q माइनस p प्लस 1 से। तो 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2, इट मीन्स कि n1 वेरिएबल की वैल्यू है 2। इसके बाद n2 वेरिएबल इनिशियलाइज होगा r माइनस q से। तो 2 माइनस 1 इज 1, इट मीन्स कि n2 वेरिएबल की वैल्यू है 1। इसके बाद दो रेज डिक्लेयर होंगी, रे 1 एंड रे 2। रे 1 का साइज है n1 एंड रे 2 का साइज है n2। नेक्स्ट रे 1 में वैल्यूज एंटर करने के लिए फॉर लूप रन होगा। आई वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 0 से, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन n1। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब p वेरिएबल की वैल्यू है 0 और i वेरिएबल की वैल्यू भी 0 है, तो 0 प्लस 0 इज 0। इट मीन्स कि अरे के इंडेक्स 0 की वैल्यू स्टोर होगी अरे 1 के इंडेक्स i पे। इसके बाद i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n1, 1 इज लेस देन 2। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब p की वैल्यू 0 है और i की वैल्यू 1 है, 0 प्लस 1 इज 1। इट मीन्स कि अरे के इंडेक्स 1 की वैल्यू स्टोर होगी अरे 1 के इंडेक्स 1 पे। इसके बाद अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन n1। कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। इसके बाद अरे 2 में वैल्यूज एंटर करने के लिए सेकंड फॉर लूप रन होगा। जे वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 0 से, कंडीशन चेक होगी जे इज लेस देन n2। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब क्यू की वैल्यू है 1 एंड जे की वैल्यू है 0, तो 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 प्लस 0 इज 2। इट मीन्स कि अरे के इंडेक्स 2 की वैल्यू स्टोर होगी अरे 2 के इंडेक्स j पे। इसके बाद j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो j की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी j इज लेस देन n2। कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। इसके बाद i वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 0 से, j वेरिएबल भी इनिशियलाइज होगा 0 से और k वेरिएबल इनिशियलाइज होगा p से। नेक्स्ट व्हाइल लूप रन होगा और कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n1 एंड j इज लेस देन n2। 0 इज लेस देन n1 कंडीशन ट्रू है एंड 0 इज लेस देन n2 ये कंडीशन भी ट्रू है। दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो प्रोग्राम का कंट्रोल व्हाइल लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इफ अरे 1 i इज लेस देन और इक्वल टू अरे 2 j। अब अरे 1 के इंडेक्स i की वैल्यू है 4 और अरे 2 के इंडेक्स j की वैल्यू है 7। 4 इज लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस इफ स्टेटमेंट की बॉडी में एंटर होगा और अरे 1 के इंडेक्स 0 की वैल्यू स्टोर होगी अरे के इंडेक्स k पे। इसके बाद i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है तो नेक्स्ट else स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। else स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होती है जब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। इसके बाद k की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होगा तो k की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अगेन ये व्हाइल लूप रन होगा, कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n1 एंड j इज लेस देन n2। 1 इज लेस देन n1 ये कंडीशन ट्रू है एंड 0 इज लेस देन n2 ये कंडीशन भी ट्रू है। दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस व्हाइल लूप की बॉडी में एंटर होगा। कंडीशन चेक होगी इफ अरे 1 i इज लेस देन और इक्वल टू अरे 2 j। अरे 1 के इंडेक्स i की वैल्यू है 9 और अरे 2 के इंडेक्स j की वैल्यू है 7। 9 इज लेस देन और इक्वल टू 7 कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो नेक्स्ट else स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अरे 2 के इंडेक्स j की वैल्यू स्टोर होगी अरे के इंडेक्स k पे। नेक्स्ट j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो j की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बाद k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसके बाद अगेन व्हाइल लूप रन होगा, कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n1 एंड j इज लेस देन n2। अब i इज लेस देन n1 ये कंडीशन तो ट्रू है लेकिन j इज लेस देन n2 ये कंडीशन फॉल्स है। अब क्योंकि इनमें से एक कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये व्हाइल लूप रन नहीं होगा। ये व्हाइल लूप तभी रन होगा अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। इसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट व्हाइल लूप पे आ जाएगा। कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n1, 1 इज लेस देन n1। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस व्हाइल लूप की बॉडी में एंटर होगा और अरे 1 के इंडेक्स i की वैल्यू स्टोर होगी अरे के इंडेक्स k पे। इसके बाद i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी और k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगेन ये व्हाइल लूप रन होगा, कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n1 तो 2 इज लेस देन 2। कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। इसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट व्हाइल लूप पे आएगा और कंडीशन चेक होगी j इज लेस देन n2, 1 इज लेस देन n2। कंडीशन फॉल्स है तो ये व्हाइल लूप रन नहीं होगा। अब ये मर्ज फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है तो मर्ज फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ जाएगा जहां से इस मर्ज फंक्शन को कॉल किया गया था। तो ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो गया है और ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ जाएगा जहां से इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया गया था। तो लास्ट टाइम हमने यहां से इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया था। इसके बाद अगेन मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा और मिड प्लस 1 एंड राइट वेरिएबल की वैल्यू पास होगी। तो यहां पे मिड वेरिएबल की वैल्यू 2 थी एंड 2 प्लस 1 इज 3,
तो 3 असाइन होगा लेफ्ट वेरिएबल को और राइट वेरिएबल की वैल्यू 4 थी तो 4 असाइन होगा और वेरिएबल को। कंडीशन चेक होगी इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे मिड वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट होगी लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, तो 3 प्लस 4 इज 7 एंड 7 डिवाइडेड बाई 2 इज 3.5। लेकिन हम डेसिमल वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे तो इट मींस कि अब मिड वेरिएबल की वैल्यू 3 है। इसके बाद मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा, लेफ्ट एंड मिड वेरिएबल की वैल्यू पास होगी। तो जैसे ही मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा प्रोग्राम का कंट्रोल मर्ज सॉर्ट फंक्शन पे आ जाएगा। अब लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू भी 3 और मिड वेरिएबल की वैल्यू भी 3 है तो 3 असाइन होगा लेफ्ट एंड राइट वेरिएबल को। इसके बाद कंडीशन चेक होगी इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ जाएगा जहां से इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया गया था। इसके बाद अगेन मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा और मिड प्लस 1 एंड राइट वेरिएबल की वैल्यू पास होगी। तो जैसे ही मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा प्रोग्राम का कंट्रोल मर्ज सॉर्ट फंक्शन पे आ जाएगा। अब मिड वेरिएबल की वैल्यू 3 थी एंड 3 प्लस 1 इज 4 और राइट वेरिएबल की वैल्यू भी 4 थी तो ये 4 असाइन होगा लेफ्ट एंड राइट वेरिएबल को। कंडीशन चेक होगी इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ जाएगा जहां से इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया गया था। इसके बाद मर्ज फंक्शन कॉल होगा, लेफ्ट मिड एंड राइट वेरिएबल की वैल्यू पास होगी। तो जैसे ही मर्ज फंक्शन कॉल होगा प्रोग्राम का कंट्रोल मर्ज फंक्शन पे आ जाएगा। अब लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू भी 3 है, मिड वेरिएबल की वैल्यू भी 3 है और राइट वेरिएबल की वैल्यू 4 है तो 3 असाइन होगा पी एंड क्यू वेरिएबल को और 4 असाइन होगा आर वेरिएबल को। अब n1 वेरिएबल इनिशियलाइज होगा q माइनस पी प्लस 1 से। अब q वेरिएबल की वैल्यू भी 3 है और p वेरिएबल की वैल्यू भी 3 है तो 3 माइनस 3 इज 0 एंड 0 प्लस 1 इज 1, इट मीन्स कि n1 वेरिएबल की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट n2 वेरिएबल इनिशियलाइज होगा r माइनस q से, तो r वेरिएबल की वैल्यू है 4 एंड q वेरिएबल की वैल्यू है 3, 4 माइनस 3 इज 1, इट मीन्स कि n2 वेरिएबल की वैल्यू भी 1 है। इसके बाद दो अरेज डिक्लेयर होंगी, अरे 1 एंड अरे 2, अरे 1 का साइज है n1 एंड अरे 2 का साइज है n2। तो सबसे पहले अरे 1 में वैल्यूज एंटर करने के लिए फॉर लूप रन होगा, I वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 0 से, कंडीशन चेक होगी I इज लेस देन n1, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब P की वैल्यू 3 है और I की वैल्यू 0 है तो 3 प्लस 0 इज 3, इट मीन्स कि अरे के इंडेक्स 3 की वैल्यू स्टोर होगी अरे 1 के इंडेक्स I पे। नेक्स्ट I की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी I इज लेस देन n1, कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। इसके बाद अरे 2 में वैल्यूज एंटर करने के लिए सेकंड फॉर लूप रन होगा, J वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 0 से, कंडीशन चेक होगी J इज लेस देन n2, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब Q की वैल्यू है 3 और J की वैल्यू है 0 तो 3 प्लस 1 इज 4 एंड 4 प्लस 0 इज 4, इट मीन्स कि अरे के इंडेक्स 4 की वैल्यू स्टोर होगी अरे 2 के इंडेक्स J पे। इसके बाद J की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो J की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी J इज लेस देन n2, कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट I वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 0 से, J वेरिएबल भी इनिशियलाइज होगा 0 से और K वेरिएबल इनिशियलाइज होगा P से। P वेरिएबल की वैल्यू 3 है तो इट मींस कि अब K वेरिएबल की वैल्यू भी 3 है। इसके बाद व्हाइल लूप रन होगा और कंडीशन चेक होगी I इज लेस देन n1 एंड J इज लेस देन n2, I इज लेस देन n1 कंडीशन ट्रू है एंड J इज लेस देन n2 ये कंडीशन भी ट्रू है, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो प्रोग्राम का कंट्रोल व्हाइल लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इफ अरे 1i इज लेस देन और इक्वल टू अरे 2j। अब अरे 1 के इंडेक्स i पे 1 स्टोर है और अरे 2 के इंडेक्स j पे 5 स्टोर है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इफ स्टेटमेंट की बॉडी में एंटर होगा और अरे 1 के इंडेक्स i की वैल्यू स्टोर होगी अरे के इंडेक्स k पे। इसके बाद i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है तो नेक्स्ट एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके बाद k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो k की वैल्यू 4 हो जाएगी, अगेन ये वैल्यू प्रन होगा, कंडीशन चेक होगी I इज लेस देन n1 एंड J इज लेस देन n2, I इज लेस देन n1 ये कंडीशन फॉल्स है। अब क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये वैल्यू प्रन नहीं होगा और प्रोग्राम का कंट्रोल इस वैल्यू से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और वैल्यू है तो कंडीशन चेक होगी I इज लेस देन n1, कंडीशन फॉल्स है तो ये वैल्यू प्रन नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक और वाइल लूप है तो कंडीशन चेक होगी J इज लेस देन n2, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस वाइल लूप की बॉडी में एंटर होगा और अरे 2 के इंडेक्स J की वैल्यू स्टोर होगी अरे के इंडेक्स K पे। इसके बाद J की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो J की वैल्यू 1 हो जाएगी और K की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो K की वैल्यू 5 हो जाएगी, अगेन ये वाइल लूप रन होगा और कंडीशन चेक होगी J इज लेस देन n2, अब कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। अब ये मर्ज फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है तो मर्ज फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ जाएगा जहां से इस मर्ज फंक्शन को कॉल किया गया था। अब आप देख सकते हैं कि मर्ज सॉर्ट फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो गया है तो मर्ज सॉर्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ जाएगा जहां से इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया गया था।
तो यहाँ से हमने स्मर्ट सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया था। इसके बाद मर्ज फंक्शन कॉल होगा, लेफ्ट मिड एंड राइट वेरिएबल की वैल्यू पास होगी। तो लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू है 0, मिड वेरिएबल की वैल्यू है 2 और राइट वेरिएबल की वैल्यू है 4। तो जैसे ही मर्ज फंक्शन कॉल होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल इस मर्ज फंक्शन पे आ जाएगा। 0 असाइन होगा पी वेरिएबल को, 2 असाइन होगा क्यू वेरिएबल को और 4 असाइन होगा आर वेरिएबल को। अब n1 वेरिएबल इनिशियलाइज होगा q माइनस पी प्लस 1 से। q वेरिएबल की वैल्यू 2 है और p वेरिएबल की वैल्यू 0 है। 2 माइनस 0 इज 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3। इट मीन्स कि n1 वेरिएबल की वैल्यू 3 है। इसके बाद n2 वेरिएबल इनिशियलाइज होगा r माइनस q से। तो r वेरिएबल की वैल्यू 4 है और q वेरिएबल की वैल्यू 2 है। 4 माइनस 2 इज 2। इट मीन्स कि n2 वेरिएबल की वैल्यू 2 है। इसके बाद दो रेज डिक्लेयर होंगी, अरे 1 एंड अरे 2। अरे 1 का साइज है n1 एंड अरे 2 का साइज है n2। अब अरे 1 में वैल्यूज एंटर करने के लिए फर्स्ट फॉर लूप रन होगा। i वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 0 से। कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n1। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब p की वैल्यू 0 है और i की वैल्यू भी 0 है, तो 0 प्लस 0 इज 0। इट मीन्स कि अरे के इंडेक्स 0 की वैल्यू स्टोर होगी अरे 1 के इंडेक्स i पे। इसके बाद i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n1। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल अगेन फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब i की वैल्यू 1 है तो 0 प्लस 1 इज 1। इट मीन्स कि अरे के इंडेक्स 1 की वैल्यू स्टोर होगी अरे 1 के इंडेक्स i पे। इसके बाद अगेन i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n1। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल अगेन फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब i की वैल्यू 2 है एंड 2 प्लस 0 इज 2। इट मीन्स कि अरे के इंडेक्स 2 की वैल्यू स्टोर होगी अरे 1 के इंडेक्स i पे। इसके बाद अगेन i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n1। अब कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। इसके बाद अरे 2 में वैल्यूज एंटर करने के लिए सेकंड फॉर लूप रन होगा। j वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 0 से। कंडीशन चेक होगी j इज लेस देन n2। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब q की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 0 है, तो 2 प्लस 1 इज 3 एंड 3 प्लस 0 इज 3। इट मीन्स कि अरे के इंडेक्स 3 की वैल्यू स्टोर होगी अरे 2 के इंडेक्स j पे। इसके बाद j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो j की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी j इज लेस देन n2। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब j की वैल्यू 1 है तो 3 प्लस 1 इज 4। इट मीन्स कि अरे के इंडेक्स 4 की वैल्यू स्टोर होगी अरे 2 के इंडेक्स j पे। इसके बाद j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी j इज लेस देन n2। कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। इसके बाद i वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 0 से, j वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 0 से और k वेरिएबल इनिशियलाइज होगा p से। अब p वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो k वेरिएबल की वैल्यू भी 0 है। इसके बाद कंडीशन चेक होगी व्हाइल i इज लेस देन n1 एंड j इज लेस देन n2। i इज लेस देन n1 ये कंडीशन ट्रू है एंड j इज लेस देन n2 ये कंडीशन भी ट्रू है। दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो प्रोग्राम का कंट्रोल व्हाइल लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इफ अरे 1 i इज लेस देन और इक्वल टू अरे 2 j। अब अरे 1 के इंडेक्स i की वैल्यू है 4 और अरे 2 के इंडेक्स j की वैल्यू है 1। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1। कंडीशन फॉल्स है तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई तो नेक्स्ट एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अरे 2 के इंडेक्स j की वैल्यू स्टोर होगी अरे के इंडेक्स k पे। इसके बाद j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो j की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो k की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अगेन ये व्हाइल लूप रन होगा। कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n1 एंड j इज लेस देन n2। i इज लेस देन n1 ये कंडीशन भी ट्रू है एंड j इज लेस देन n2 ये कंडीशन भी ट्रू है। दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो प्रोग्राम का कंट्रोल अगेन व्हाइल लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इफ अरे 1 i इज लेस देन और इक्वल टू अरे 2 j। अब अरे 1 के इंडेक्स i की वैल्यू तो 4 ही है लेकिन अरे 2 के इंडेक्स j की वैल्यू है 5। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अरे 1 के इंडेक्स i की वैल्यू स्टोर होगी अरे के इंडेक्स k पे। इसके बाद i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है तो नेक्स्ट एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके बाद k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसके बाद अगेन व्हाइल लूप रन होगा। कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n1 एंड j इज लेस देन n2। i इज लेस देन n1 ये कंडीशन ट्रू है एंड j इज लेस देन n2 ये कंडीशन भी ट्रू है। दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो प्रोग्राम का कंट्रोल अगेन व्हाइल लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इफ अरे 1 i इज लेस देन और इक्वल टू अरे 2 j। अब अरे 1 के इंडेक्स i की वैल्यू है 7 और अरे 2 के इंडेक्स j की वैल्यू है 5। 7 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई तो नेक्स्ट एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अरे 2 के इंडेक्स j की वैल्यू स्टोर होगी अरे के इंडेक्स k पे। इसके बाद j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसके बाद अगेन व्हाइल लूप रन होगा। कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन n1 एंड j इज लेस देन n2। i इज लेस देन n1 ये कंडीशन तो ट्रू है लेकिन j इज लेस देन n2 ये कंडीशन फॉल्स है।
अब क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये वाइल लूप रन नहीं होगा और प्रोग्राम का कंट्रोल इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। इसके बाद कंडीशन चेक होगी वाइल आई इज लेस देन एन वन। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस वाइल लूप की बॉडी में एंटर होगा और रे वन के इंडेक्स आई की वैल्यू स्टोर होगी रे के इंडेक्स के पे। इसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और के की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो के की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगेन ये वाइल लूप रन होगा, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन एन वन। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल अगेन इस वाइल लूप की बॉडी में एंटर होगा और रे वन के इंडेक्स आई की वैल्यू स्टोर होगी रे के इंडेक्स के पे। इसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और के की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो के की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगेन ये वाइल लूप रन होगा, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन एन वन। अब कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी वाइल जे इज लेस देन एन टू। कंडीशन फॉल्स है तो ये वाइल लूप रन नहीं होगा। तो ये मर्ज फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है और मर्ज फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ जाएगा जहां से इस मर्ज फंक्शन को कॉल किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि मर्ज सॉर्ट फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो गया है और ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन वो फंक्शन है जो फर्स्ट टाइम हमने कॉल किया था रे को सॉर्ट करने के लिए। तो ये फाइनल मर्ज सॉर्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद रे के तमाम एलिमेंट सॉर्ट हो गए हैं। तो प्रोग्राम का कंट्रोल बैक आ जाएगा जहां से इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया गया था। इसके बाद स्क्रीन पे प्रिंट होगा आफ्टर सॉर्टिंग रे एलिमेंट्स आर, देन प्रिंट फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे ही प्रिंट फंक्शन कॉल होगा प्रोग्राम का कंट्रोल प्रिंट फंक्शन पे आ जाएगा और अब रे के सॉर्टेड एलिमेंट स्क्रीन पे प्रिंट होंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मर्ज सॉर्ट को इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, मर्ज सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कोड एंटर करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।